नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटवर्क नेट जीआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से इसके अभी नए अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने आते के साथ ही अपना कार्यभार संभाला और उन्होंने खुशखबरी दे दी है। अभ्यर्थियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने एक नया एग्जाम कैलेंडर बनाने की बात करी है और नए विज्ञापन के बारे में भी बात करी है। और जो फॉर्म UPSC का पहले से फिलअप है, क्या वो रीओपन होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देने चाहेंगे कि आप लोगों का सब्जेक्ट कौन सा है ये जरूर लिख दें, ताकि जो एग्जाम लेकर ये वैकेंसी फिल होती है आपको फ्री में नोट प्रोवाइड करा सकें और फ्री में आपकी तैयारी करवा सकें। और जहां पर इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा उसके लिए भी आपको फ्री में गाइड करेंगे और आपके सब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा, जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे उसकी वैकेंसी हम ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर कमेंट में सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए। देखिए, अध्यक्ष जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने भर्ती कैलेंडर बनाने का दिया निर्देश, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नव नियुक्त अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कृति पांडे, इन्होंने गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर अपना कार्यभार जो है संभाल लिया और ठीक है, और नया कैलेंडर बनाने के लिए आदेश इन्होंने आते के साथ ही दे दिया। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल रखते हुए सबसे पहले इन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा गया है। उसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर को जारी किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू रूप से करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्न प्रिया वित्त अधिकारी जो है इसके, ठीक है। इस तरीके देखिए, एक और न्यूज आई है दूसरे अखबार में, शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, कमेटी गठित, ठीक है। तो इन्होंने नई कमेटी गठित कर दी है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है पहले उसका एक कैलेंडर जारी करेंगे और उस कैलेंडर से ही पता चलेगा कि कब आपका जो फॉर्म फिलअप होगा उसका एग्जाम होगा और नई वैकेंसी के लिए क्या डेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये अपडेट हैं और ये जिस तरीके से कृति पांडे जी सारे कामों को ले रही है, विद्यार्थियों के दर्द को, बेरोजगारों के दर्द को समझ रही है, इसके इंतजार को, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो बहुत ही लंबी और थकाऊ यात्रा है और उसमें इस तरीके के बोर्ड जो है वैकेंसी निकालने में या फॉर्म फिलअप करवा के 2-2 साल तक एग्जाम नहीं लेते हैं, वो और जो है कष्टदायी और पीड़ादायक होता है। तो साथियों, आप लोगों के लिए हम बराबर आवाज उठाते रहते हैं, जो भी वैकेंसी लटकी हुई है आप लोगों से बस इतनी विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नई नई वैकेंसी आएगी और जिस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करा लिया गया है उस वैकेंसी को जल्दी एग्जाम कराकर क्लियर किया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।